लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, तुम वार्ड मेंबर के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम आमदार के इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अभी तो लोगों ने मेरे को मेरे ग्रुप के ऊपर में खासदार के इलेक्शन में खड़े रहने के लिए डाल दिया था। क्या तुम खासदार के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे को जो है तो पैसा भी लगाते और हम तुम्हारा साथ भी देते। तो पीछे ले लिया और इलेक्शन में खड़े रहने के लिए अभी आमदार के लिए भी मेरे को लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं मेरी मंशा तो नहीं बताता, मैं अभी विचार कर रहा हूँ। हमारे साथ में मौजूद है समाज सेवक यूसुफ खान, जो कि हमेशा ही सफाई और इसके कामों के लिए शहर भर में जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में जो है मुजफ्फर हुसैन, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस को समर्थन दिया है। क्या वजह रही यूसुफ भाई, आपने आज कांग्रेस को समर्थन दिया और इतने दिनों से आप क्यों पीछे हट रहे थे? मेरा नाम है मानव अधिकार सहायता संघ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेख यूसुफ शेख हुसैन, रहना अलीम नगर अमरावती। मैंने समर्थन अभी तक के कोई पार्टी को नहीं दिया। मेरे पास में और पार्टी आए समर्थन लेने के लिए, लेकिन मैंने समर्थन नहीं लिया। वजह उसकी ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब अपन कोई पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और उस पार्टी के नाम पर किसी से अपन वोट मांग रहे हैं, तो उसका भी हक बनता है अपने पास में कि हम उसका काम करें। आज जनता परेशान है, मैं 7 महीने से जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम एरिया के दरमियान में मैंने काम किया हूँ, पूरे इलाकों के अंदर में, पूरे शहर में, यहाँ तक कि मैंने बाहर गाँव में भी जाकर जनता का काम किया हूँ। ये नाले का, पुलों का, रोड का, ये काम किया हूँ मैंने। अभी तक कांग्रेस को समर्थन नहीं देने की वजह क्या थी आपकी, किससे नाराज? मैं नाराज इस बात से था कि भाई जो लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ और आज मैं इनके साथ में घूमूंगा, तो कल ये मेरे साथ में मैदान में होना चाहिए, ताकि जनता का कोई काम रहा तो वो काम में आना चाहिए। नहीं, जो खासदार होता है वो देश के कानून बनाने का काम करता है, नाली सफाई ये जो है ये तो लोकल लेवल के काम होते हैं, तो इसके लिए किसके कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार तो अपने शहर के आमदार है ना, शहर के नगर सेवक है, शहर के आमदार है। लेकिन मैं इसलिए पीछे था क्योंकि अपने शहर का आमदार वो भी अपने कांग्रेस का है, इसलिए मैं हाथ नहीं डाल रहा था कि कांग्रेस का ही, जब अपना आमदार अपना आमदार काम नहीं कर रहा तो फिर अपन खासदार के इलेक्शन में कैसा मदद करेंगे कांग्रेस की। लेकिन मेरे को लोगों ने समझाया है कि नहीं, ये इलेक्शन जो है बहुत हार्ड है और अपने को अपने देश के अंदर में कुछ बदलाव लाना है, अपने शहर के अंदर में बदलाव लाना है। जो लोग नीचे थे अपने पैरों के अंदर में, वो आज ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। मानव अधिकार आपका जो संगठन है उसमें कितने लोग हैं जो आपके साथ में समर्थन देने वाले, और क्या असर पड़ेगा अभी सीट पर, क्या लगता है आपको? मेरे मानव अधिकार के खड़े रहने से समर्थन में बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब मेरा जो काम है बहुत बड़े इलाकों के अंदर में काम है। मुस्लिम इलाका तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ मेरा काम नहीं है, और हिंदू एरिया के अंदर में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ मैंने काम कर चुका हूँ। हम मुसलमान वाले दिनों में क्या आपको लोगों का ये हमेशा आप पर मतलब आप पर प्रेशर रहता है कि आप भी चुनाव लड़िए, क्या आपका मकसद है भविष्य? लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, तुम वार्ड मेंबर के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम आमदार के इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अभी तो लोगों ने मेरे को मेरे ग्रुप के ऊपर में खासदार के इलेक्शन में खड़े रहने के लिए डाल दिया था। क्या तुम खासदार के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे को जो है तो पैसा भी लगाते और हम तुम्हारा साथ भी देते। लेकिन खासदार के इलेक्शन में खड़े रहने का मतलब नहीं, मतलब ये हुआ क्या इसमें रिजर्वेशन होना इसके अंदर में, इस वजह से हमने जो है तो पीछे ले लिया। और इलेक्शन में खड़े रहने के लिए अभी आमदार के लिए भी मेरे को लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं मेरी मंशा तो नहीं बताता, मैं अभी विचार कर रहा हूँ, अभी मेरी मंशा नहीं है। क्योंकि जनता के 100 काम रहते, अगर आप जनता के 99 काम करके दो तो भी जनता तुमको बदनाम करती, ये जनता का ओरिजिनल बात है। जनता फिर लीडर को ऐसा समझ लेती कि हमने उसको खरीद लिए। जनता लीडर जो होता वो भी एक इंसान ही होता, उसको भी माँ होती, बीबी होते, बच्चे होते, औरत होती, सब कुछ, उसको भी काम धंधे, खाना पीना, सारी चीज़ें उसको भी लगी रहती है। उसका भी हमारे अगर हमारा कोई लीडर अगर बना है तो उससे फिर उस एक समय होना चाहिए मिलने का। लेकिन आज तो मैं जनता का ना कोई लीडर हूँ ना कोई कुछ हूँ, मैं तो एक मानव अधिकार सहायता संघ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, जनता की आवाज़ बन के जनता के दरमियान घूम रहा हूँ। तो आज 2-2 बजे रात को मेरे को वीडियो आ जाती, 2-2 बजे रात को मेरे को कंप्लेंट आ जाती, 2-2 बजे रात को मेरे को फ़ोन आ जाते। तो ये थे हमारे साथ में शेख यूसुफ, समाज सेवक और मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष, जिनका यही कहना था कि वो बगैर पद के भी जो है इतने काम कर रहे हैं और हमेशा लोगों का उन पर प्रेशर रहता है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है बस समाज सेवा करना चाहते हैं।